मेरा चैनल चलेगा। प्लीज मेरा चलाने देना। अरे आपने कल भी देखा था। एक लास्ट एपिसोड है प्लीज। क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये टीवी देख रहे हो? सुबह से डब्बे को देख रहे हो तुम दोनों? और प्रैक्टिकल किया? वाह बेटा वाह, यही उम्मीद थी तुम दोनों से। चुपचाप से इस टीवी को बंद करो और प्रैक्टिकल खत्म करो अपना। माउंटेन हर्मिट बनने का मन है। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तो बस एक कहानी। अबे गंदा बंदा, जल्दी मार, तेरे पीछे है। अरे बोले तेरे पीछे, अबे मार ना। हेलो, हाँ बेबी, याद आ रही है आपको? कोई नहीं, मैं कल मिलता हूँ आपसे। हाँ खा लिया मैंने, मैंने घिया कहीं नहीं, बैठा हुआ हूँ। मेरी बहन? अरे वो तो भूतनी है। हेलो हेलो बेबी, आप सो गए? हेलो, हाँ सो गया तेरा बेबी, चुड़ैल कहीं की। यार अगर प्रोजेक्ट हुआ नहीं तो सुबह तो मैडम जान ही ले लेगी। तुझसे नहीं होने वाला कुछ भी, सुबह देखियो मैडम भी तुझे मारेगी स्कूल में और मम्मी भी। मुझे तो मजे आने वाले हैं, कर कर। नंदू चलो बेड पे सो जाओ। शिट, मेरा काम तो रह गया। ये मेरा प्रोजेक्ट किसने कंप्लीट कर दिया? हाँ जी बेटा जी, हुआ तुम लोगों का प्रैक्टिकल खत्म? हाँ जी। चलो फिर हो जाओ स्कूल की रेडी। Yeah.
खत्म हो जाना चाहिए। यार इतने बड़े होने के बाद ये दूध कौन पीता है यार? अबे यार ये मम्मी पीना दूध। ये ग्लास में से दूध कहाँ गया? क्या मैं ना किसी का एहसान नहीं रखता हूँ, तुमने मेरी प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प की और मैंने पी लिया। मेरा छोटा भाई। चलो छोड़ो। अरे वाह सारा दूध खत्म कर दिया। गट गट करके। चलो फिर निकल लो स्कूल के लिए। अब चले चल पोचमकी चले। मिलिट्री चलते हैं। नहीं पोचमकी। अरे मिलिट्री। पोचमकी मिलिट्री। मुझे नहीं खेलना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन लेने की? मैंने दिलाया था। तो ये मम्मी ने दिलाया था। अरे अरे बोलो दीदी। दीदी मारो। और देख पीछे भी है। आहाना ले बेटा ये तेरे लिए न्यू ड्रेस। थैंक यू सो मच माँ। और मेरे लिए? तेरे लिए क्या, इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं तेरे पास। वो तो ऑफिस जाती है इसलिए उसको दिए हैं और तू पूरा दिन बाहर हांडता रहता है। हाँ आपके पास यही जवाब होता है मेरे लिए। ये लड़का भी ना सब देखो जब गुस्सा करके चाहता है। बैठो। इतने सारे कपड़े क्यों लाए? अरे तुझे जरूरत होती है ना। चलो और भाई क्या हाल है? देख नंदू आ रहा है। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई तू बता। बस बढ़िया। और क्या कर रहे हो दोनों? कुछ नहीं यार नदीम। हाँ तेरी बहन यार रोज नए नए कपड़े पहनती है और तू वही घिसे पिटे पुराने कपड़े। और कल तो तेरा बर्थडे भी है ना, लगता है कल भी तू वही घिसे पिटे पुराने कपड़े पहनने वाला। कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गया तू। ओए ऐसे सारी शैतानियाँ और सारी मस्तियाँ हंस के तू टाल दे मेरी सब गलतियाँ। मेरे हिस्से की गाली भी तूने खाई। तू मेरा भाई। जा शक्ल क्या देख रहा है मेरी।
टेंशन मत लो। क्या टेंशन ना लूं? रोज रोज की शिकायतों से परेशान कर दिया इसने मुझे। अरे क्या हुआ? हॉस्टल का रास्ता तो पीछे ही रह गया। अरे बुद्धू, तुझे अब तक समझ नहीं आया? क्या मतलब? माँ, अरे मुझे पता है वो बहुत शैतानियां करता है, पर उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जिस उम्र में उसे परिवार के साथ होना चाहिए हम उसे हॉस्टल भेजते। और वैसे भी अभी बचपन है उसका, जी लेने दो। हमारी उम्र में आने के बाद कहाँ मौके मिलते हैं। लेकिन कुछ नहीं, मैं उसे लेके जा रही हूँ घुमाने के लिए और कोई हॉस्टल नहीं भेज रहे। और मैंने तो मजाक किया था, आप तो सीरियस ही ले गए। आप भी ना, मैं उसे घुमाने लेके जा रही हूँ। ठीक है, चलो ठीक। तुझे क्या लगता है मैं तेरा पीछा इतनी इजीली छोड़ दूंगी? मैं तो बस तेरे साथ मजे ले रही थी, मैं नहीं जाने देने वाली तुझे कहीं भी। मेरा घूमने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा मैं तुझे भी ले चलूं। दीदी आप बहुत गंदे हो, आई हेट यू। अच्छा चल ना, लेट हो जाएंगे, चल। सारी शैतानियां और सारी मस्तियां, हंस के तू टाल दे मेरी सब गलतियां। मेरे हिस्से की गाली भी तूने खाई, तू मेरा भाई।